एवरीवन, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं कंसा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल कंसा का आशियाना। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज मैं आपके साथ, जैसे कि आप लोगों ने हाइलाइट्स देख ही लिए होंगे और आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ क्या चीज़ शेयर करने लगी हूँ, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक होम रेमेडी फॉर अ ग्लास स्किन। बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप लोगों ने इस रेमेडी को टिकटॉक पे या किसी भी फेसबुक या इंस्टाग्राम की रील पर देखा होगा, मैंने भी उधर ही देखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए और देखा जाए कि इसका कुछ रिजल्ट भी है या ऐसे ही है। तो जी आज जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है जैपनीज़ रेमेडी है, राइस वाटर की जैपनीज़ रेमेडी फॉर अ ग्लास स्किन। तो मैंने सोचा कि इसको 2 या 3 दिन क्यों, इसको हम ट्राई करेंगे 10 दिन। तो मैं इस रेमेडी को स्टार्ट करने लगी हूँ आज से, ठीक है। तो ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये मैं मतलब कि जब ये वीडियो मेरी अब आएगी तो तब 10 दिन गुजर चुके होंगे और रिज़ल्ट सामने आ चुका होगा। मुझे उम्मीद तो है कि रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा क्योंकि इतना ज़्यादा इस रेमेडी के बारे में मैंने सुना है। और जैसे कि अभी आप लोगों ने देख लिया कि मेरी स्किन पर लाइट लाइट निशान भी हैं, कुछ जो है ये मेरे नेचुरली ही हैं, ये तो नहीं जा सकते, लेकिन कुछ जो आपकी स्किन में 2 टोन आ जाती हैं मेरे, ये जैसे डार्क सर्कल्स आ गए आ जाते हैं, जैसे जब आपके बेबीज़ वगैरह होते हैं उसके बाद भी आपकी स्किन जो होती है वो कभी अप डाउन्स होते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रेमेडी को ट्राई किया जाए। जारी बात है आपको अपनी स्किन का खुद ही ख्याल रखना पड़ता है, कभी पार्लर से भी हो जाता है लेकिन आपको घर में भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, जो कि हम नहीं करते क्योंकि जारी बात है हम लोगों की इतनी रूटीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा बच्चों में और इसमें मसरूफ़ होती है, तो हम नहीं कर सकते लेकिन करना चाहिए। तो अब मैं आज से ही इस रेमेडी को स्टार्ट करूँगी और आज से 10 दिन बाद मैं इंशाल्लाह ताला 10 दिन बाद 11वें दिन मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। तो इस रेमेडी के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए और मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आप लोग चावल तो हर घर में उबलते ही हैं, उबले हुए चावलों की जो पानी होता है जिसको हम पीच भी कहते हैं, कुछ लोग चावलों के अंदर ही पानी को मतलब एब्जॉर्ब कर देते हैं, कुछ उस पानी को निकाल देते हैं, जो हम पानी को निकाल के वेस्ट कर देते हैं, आपने बस उस पानी को ले लेना है, जब वो ठंडा हो जाए तो उसको आइस क्यूब्स में डाल के फ्रीज कर देना है और उस आइस क्यूब्स को आपने अपने स्किन पे यूज़ करना है। आप 5 या 6 दिन बाद तो घर में चावल लाजमी बनते ही बनते हैं, 5 या 6 दिन बाद आप फ्रेश वाटर ले लें, 7 दिन बाद आप उस मतलब क्यूब्स को यूज़ मत करिएगा, वेस्ट कर दिएगा, नई मतलब जब आप चावल उबालते हैं उसका नया पानी जो है उसको लेकर और फ्रीज कर लें। अच्छा, मैं ये अपने उस पर सिंपल आइस वाटर का यूज़ करूँगी और अपनी मामा की स्किन पर मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी रोज़ वाटर। मैंने सोचा कि 10 दिन मैं भी मैं सिंपल यूज़ करके देखूँगी और मामा की स्किन पे रोज़ वाटर देखूँगी किसका अच्छा ज़्यादा रिजल्ट है। मामा मेरी कैमरे वगैरह में नहीं आती हैं तो मैं आपको वैसे ही उनका रिज़ल्ट बता दूँगी और फिर मैं इस पर मतलब मेरी एक फ्रेंड है वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी है, मैंने उससे भी बात की, उसने कहा ये बहुत अच्छा है लेकिन आप कभी एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर लो, कभी रोज़ वाटर ऐड कर लो, कभी विटामिन जो सी या ई के कैप्सूल्स होते हैं वो ऐड कर लो तो ये बहुत अच्छा आता है। मैंने कहा चलो जी सही है, अभी मैं सिंपल वाटर में यूज़ करी और मम्मा का रोज़ वाटर में यूज़ करूँगी और फिर देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या है, ठीक हो गया। तो चलें अभी से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सारा प्रोसेस भी बता देती हूँ और फिर मैं आपके साथ सारी वीडियो जैसे जैसे बनाऊँगी और जितनी भी बनेंगी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी और फिर मिलेंगे अब हम लास्ट डे और फिर मैं आपको रिजल्ट। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी राइस वाटर की जैपनीज रेमेडी फॉर ग्लास स्किन। तो करें फिर स्टार्ट, चलें फिर मिलते हैं अब 10 दिन बाद। तो जी ये जी बॉयल्ड चावलों का पानी जिसे हम पीच भी कहते हैं ये मैंने अलग से निकाल लिया था, अब मैं इनको इन क्यूब्स में ऐड करूँगी। क्यूब्स मेरी छोटी हैं, आप थोड़ी बड़ी वाली भी ले सकती हैं, ये साइज़ से ज़रा छोटी वाली हैं। और ये मैंने सारा पानी जो है चावलों का इसमें पोर कर दिया और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में और ये हार्डली 5 to 6 आवर्स लेता है और ये हो जाता है फ्रीज, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कुछ देर बाद। और ये जी हो गए फ्रीज और अब निकाल लेते हैं। ये मैंने 2 क्यूब्स निकाल लिए क्योंकि मेरी क्यूब्स छोटी थी तो इसलिए मैंने 2 ली हैं, अगर बड़ी होती तो मैं 1 लेती। तो अब जल्दी से इससे पहले मेल्ट हो जाए, होना स्टार्ट हो जाए तो फिर इसको स्किन पे स्टार्ट। और ये जी हमने डे 1 स्टार्ट कर दिया जैपनीज़ प्लस कोरियन स्किन रेमेडी का। और आपने भी इस तरह क्यूब लेनी है और उसको पिघल जाने तक पूरी स्किन पे नेक पे इस तरीके से करना है, ठीक हो गया। तो जी ये मैंने आइस क्यूब, राइस वाटर आइस क्यूब
जैसे आप लोगों ने देखा कि चावलों को बॉयल करके जो उसकी पीच होती है बस उसको आपने सेव करके और फ्रीज करके क्यूब्स में रख देना है या ट्रे में बिछाना उसको, अगर आपके पास क्यूब्स नहीं है ट्रे में बिछाएं उसको पानी को और फ्रीज कर दें और फिर बस उसको फिर क्यूब्स में करके मतलब काट के और तोड़ के या जैसे भी कर लें स्किन पे। तो देखें पहला दिन अभी मैंने किया है, इंशाल्लाह तो 10 डेज लेंगे चैलेंज ये वाला हम लोग, और आज 29 सितंबर डे 1 कंप्लीट हुआ, अब इंशाल्लाह ताला अब करेंगे हम कल। सही है भैया, लेट्स सी कुछ फ़र्क भी पड़ता है कि नहीं तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। ठीक है चले फिर अब कल की तरफ। और ये जी है अब डे 4, मैंने सारे डेज की रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, बीच बीच में से कर लेती थी बच्चों की वजह, बस जब जब टाइम मिलता था उसी टाइम में कर लेती थी, एक स्पेसिफिक टाइम मैंने नहीं रखा हुआ था, लेकिन किया मैंने पूरे टेस्ट प्रॉपर डे, और आपने भी 10 दिन ही पूरा करना है इसको, ठीक हो गया इस तरीके से। और आप इसमें रोज़ वाटर या फिर आप विटामिन सी के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, मैंने मामा की स्किन पर रोज़ वाटर इसमें मिक्स करके ऐड किया था और परफेक्ट रिज़ल्ट जो है ना वो आया था। तो जी अब आ गया है डे 5, ये जी बहुत ठंडी होती है बर्फ़, और ये जी अब लास्ट डे 10 डे, और आप मेरी स्किन पे ग्लो चेक कर सकते हैं, जाहिर बात है पानी करी हूँ मेकअप तो नहीं किया होगा, और आप मेरी स्किन का ग्लो मेरे डार्क सर्कल्स वीडियो में पता चल रहे होंगे कि किस कदर कमी है और स्किन में किस कदर ग्लो आ गई है। तो जी वेलकम बैक, 10 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो मिलते रहे हैं लेकिन ये वीडियो जो है ये 10 दिन बाद मैंने रिकॉर्ड की है, और ये देखें आपने देखा ही होगा हाइलाइट्स में मेरी स्किन, देखें मेरे डार्क सर्कल्स मेरी आँखों के ऊपर, ये देखें ब्लैक ब्लैक आ गया था, आ जाता है मेरी बहुत जल्दी, क्योंकि जाहिर बात है मेरा कलर इतना ज़्यादा फेयर नहीं है, तो हल्का सा भी स्किन डल हो तो आँखों पर सबसे ज़्यादा पहले फ़र्क पड़ता नहीं, और ये डार्क सर्कल्स देखें, और जो मैं स्किन के प्रोडक्ट्स भी लाई थी वो भी मैंने अभी तक यूज़ करना स्टार्ट नहीं किए हैं, वो भी बस इसीलिए कि मुझे पहले प्रॉपर इसका रिज़ल्ट पता लग जाए, हर चीज़ में टाइम लगता है 3-4-5 दिन में नहीं होती है, इसलिए मैंने इसका 7 की जगह 10 दिन चैलेंज करके देखा कि इसका कुछ अच्छा फ़र्क भी पड़ता है कि नहीं, और वाकई इट इज़ परफेक्ट। ये देखें शाइन देखें, मेरी स्किन टोन देखें किस कदर कमाल रिज़ल्ट है। मामा की भी स्किन पे जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था कि मैं मामा की स्किन के लिए गुलाब का अरक इसमें ऐड करूँगी, और वो मैंने ऐड किया, मामा की स्किन पे भी बहुत 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 अच्छा रिजल्ट है, शाइन आ गई है, थोड़ा टाइम हर चीज़ में लगता ही लगता है, और मैं आपको पिछली वीडियोस में बता कह भी रही थी कि मैं कर रही हूँ स्किन पे कुछ कर रही हूँ, तो देखें शाइन देखें, तो यही वही शाइन आ गई है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने ये चीज़ सीखी है कि आपको कुछ चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में स्किन के लिए ऐड करना पड़ता है। अब ये चावलों का जो है जब मैंने यूज़ करना शुरू किया था उससे पहले मैंने अपनी फ्रेंड से जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है उससे पूछा था कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो, उसने कहा नहीं, अगर आप अपने बालों के स्काल्प पे यूज़ करते हैं तो इसका मतलब नुकसान है ज़्यादा टाइम यूज़ करने के लिए, हर किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन स्किन पे ये बहुत अच्छा है, कोरियन इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जी बस यही है कि आप लोग जो हैं आप लोग भी कोरियन भी और जापानीज़ भी दोनों में ही मैंने सर्च की थी तो दोनों ही इसको अपनी उसमें ऐड कर लेते हैं, तो आप लोग भी इसको अपने ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर यूज़ करें, और डेली बेसिस पे इसको अपनी स्किन केयर की रूटीन में ले आएँ, और मैं आपको गारंटीड कह सकती हूँ कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मतलब के आएगा, और आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें बनानी भी नहीं है, ना क्रीम्स ना कोई खिच-खिच भी नहीं है, बस पानी लेना उसको फ्रीज करना, रोज़ 1-2 मिनट निकाल के आपने उसको अपने स्किन पे यूज़ करना है बस। मैंने अभी ना कोई मेकअप किया है, ये देखिए कुछ भी नहीं मैंने स्किन पे लगाया हुआ, लिपस्टिक ज़रूर लगाई लेकिन कुछ मैंने अपनी स्किन पे नहीं यूज़ किया हुआ, और परफेक्ट रिज़ल्ट है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत 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 अच्छा है, और 10 दिन में ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, शाइन आ जाएगी, स्किन टोन ठीक होने लगेगी, आपके डार्क सर्कल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, और बहुत ही अच्छा, आप लोग ज़रूर 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 ये चीज़ ट्राई कीजिएगा और डेली बेसिस पर ट्राई कीजिएगा, मैं भी इसको रोज़ ही अपनी स्किन पर लाऊँगी, और मैं अपनी वैसे दूसरी चीज़ें भी साथ साथ अब यूज़ करना स्टार्ट करूँगी, तो मैं तो इसे कहूँगी कि आप लोग लाजमी में ट्राई करें, और जो जो यूज़ करें ट्राई करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं करना चाह रहे हैं या करेंगे इंशाल्लाह ताला, और लाइक का बटन लाजमी दबा दें, मेरी 10 दिन की मेहनत है ये।
और वाकई रिजल्ट भी आया, ये नहीं कि 10 दिन ज़ाया गए। लाइक का बटन लाजमी दबा दें, सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और ये जापानीज़ में भी वो लोग राइस के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा मतलब राइस की यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, पानी या इस तरह की चीज़ें, और कोरियन भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये ना कन्फ्यूज़ कीजिएगा कि मैंने जापानीज़ शुरू में बोल दी और अभी कोरियन बोल रही हूँ। तो ये दोनों ही जापानीज़ और कोरियन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैंने दोनों की ही सर्च करी, दोनों के ही चीज़ें क्रीम्स वगैरह देखी, तो वो लोग इन प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट्स में ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लास्ट में करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह मैं आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो चलें फिर मिलते हैं अपनी वीलॉग में, नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।